स्मोक की सूरत हाल में कदरे बेहतरी। निगरान पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। आज तालीमी इदारों को तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त। मार्केट्स, रेस्टोरेंट हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। निगरान वज़ीर आला का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसले। डेंगू मच्छर के हमले ना थम सके। 24 घंटों में शहर में 44 नए मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 87 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल लाहौर में डेंगू के 6494 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 53 मरीज ज़ेर इलाज। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 20 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 284.97 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये में फरोख्त। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली के कुल 141 हल्के होंगे। पंजाब में सुबह असम्बली की 297 नशस्तें होंगी। लाहौर में कौमी असम्बली के 14, पंजाब असम्बली के 30 हल्के होंगे। मुस्लिम नून ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल जारी। 2 से 19 दिसंबर तक मुल्क भर के बोर्ड्स की मीटिंग शेड्यूल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब की सीबीडी पंजाब को 7 दिसंबर तक फ्लाईओवर मुकम्मल करने की डेडलाइन। सीबीडी पंजाब का 5 दिसंबर को घोड़ा चौक फ्लाईओवर टेस्ट रन लेने का फैसला। 5 दिसंबर को मशीनी तरीकाकार से फ्लाईओवर की मजबूती को चेक किया जाएगा। मौसा के तरक्याती कामों में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। कश्मीर रोड और शेरांवाला गेट वाटर टैंक की तामीर में मुबैना तौर पर बेजाबतियाँ पाई गईं। पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वासा के टेंडर को मंसूख कर दिया। पेपरा की जानिब से एतराज़ात के बाद मनसूबा बंद। पीएचए में मुबैना तौर पर ठेकेदारों को नवाजने का स्कैंडल। टेंडर के बगैर पीएचए में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए जाने का इंकशाफ। पीएचए अफसरान ने तरक्याती कामों के नाम पर अथॉरिटी से 1,19,00,000 रुपए एडवांस लिए। पीएचए इंतजामिया ने एडवांस में होने वाली खुर्द बुर्द की तहकीकात शुरू कर दी। डायरेक्टर स्पोर्ट्स आमिर इब्राहिम इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। साबिक एमपीए नज़ीर चौहान और दीगर के खिलाफ पुलिस पर हमला केस। अदालत ने नज़ीर चौहान समेत दीगर के खिलाफ केस पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नज़ीर चौहान समेत 8 मुलजिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने समाप्त की। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ रिश्वत लेने का केस। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी किए। समाज 4 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने दरख्वास्त पर समाज की। लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदरमानी का केस। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, रासिख इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानत में 20 दिसंबर तक तोसी। कैसरा इलाही, रासिख इलाही समेत दीगर अबूरी जमानत की मुदत खत्म होने पर अदालत पेश हुए। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ऐवान के तबादले के बाद केस में कोई पेशरफ न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज की मुलाकात। तारीखी और कदीम इमारतों और मकामात के तहफ्फुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में तारीखी इमारतों और मकामात को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशिशें हैं।
आसार कदीमा की बहाली और बेहतरी के लिए आगा खान फाउंडेशन की मुआवनत काबिल तहसीन है। सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियों का फैसला। स्कूलों में ग्रेड 17 और 18 में भर्तियां की जाएंगी। 527 हेडमास्टर, 1107 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और 592 सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किए जाएंगे। शहर के तरक्याती काम फिर इल्तवा का शिकार। 1,40,00,000,000 की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स की फाइल बंद कर दी गई। लाहौर के 9 जोन्स में एक एक तरक्याती स्कीम का चुनाव किया गया। बल्दिया लाहौर की जानिब से तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स की फाइल सुस्त रवि का शिकार। नई स्कीमों का आगाज डीसी लाहौर की इजाजत से मशरूत। गैर कानूनी पार्किंग एरिया और इमलाक के बाहर पार्किंग जगह को क्लियर करवाने का मिशन। एलईओ टीपा का जेल रोड पर क्रैकडाउन। लैंडमार्क प्लाजा में रैंप पर तामीर शुदा दरवाजा मिसमार। पार्किंग जगह न देने पर हाई क्यू टावर जेल रोड का ऑफिस सरबा मोहर। जेल रोड पर तहखाने में बने 2 कैफे सरबा मोहर। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा आईपैक्स नुमाइश का इनेकाद है। ब्लैक पेंट्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के स्टॉल पर रंगों की बहार, कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, रंगों की मुख्तलिफ इकसाम और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की नुमाइश की गई। नुमाइश में आने वाला हर कोई स्टॉल पर खींचा चला आया। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा बिल्डिंग मटेरियल और आर्किटेक्ट नुमाइश का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की नुमाइश में शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। नुमाइश का अहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर की जानिब से किया गया। नुमाइश में 250 से ज़ायद कंपनियां बिल्डिंग मटेरियल में नए रुझान बारे आगाही देंगी। को दीदा जेब और खूबसूरत बनाएं। आर्किटेक्स वर्ल्ड पर भरोसा करें। आर्किटेक्स वर्ल्ड की रेंज में लग्जरी टाइल्स, सेंट्री वेयर और किचन एक्सेसरीज शामिल। एक्सपो नुमाइश में आर्किटेक्स वर्ल्ड ने दीदा जेब और शानदार डिजाइन पेश किए। शेखू स्टील्स हर हवाले से है एक मोतबर नाम। आईपैक्स की 3 रोजा एक्सपो में शेखू स्टील्स की सबसे बड़ी नुमाइश सजी। एक्सपो में आने वाले शेखू स्टील्स की प्रोडक्ट्स को पायदार और काबिल भरोसा करार दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। एफआईए ने 11 इंक्वायरियों का आगाज कर दिया। पीएचएफ के सदर से रिकॉर्ड तलब। हॉकी की खरीदारी खिलाफ जाब्ता, जीएसटी की अदायगियों में 11 मिलियन की खुर्द बुर्द सामने आई। गैर कानूनी अदायगियों की मद में 91 मिलियन की बेजाब्तियाँ। गैर मुल्की करेंसी की खरीदारी में 43 मिलियन रुपये की करप्शन सामने आई। और पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मेंबर्स की तकरीरी कर दी। साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल, राव, इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकरर। साबिक क्रिकेटर्स फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। साबिक क्रिकेटर्स की पहली असाइनमेंट न्यूजीलैंड में होने वाली टी20 सीरीज होगी।